नमस्कार गुरु जी, मेरे साथ हैं आचार्य रमेश शेमवाल जी। 60 ज्योतिष सम्मेलन करने के बाद अब आचार्य जी है जो महापुराण सम्मेलन करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो महापुराण सम्मेलन है इसका मतलब क्या है और ये जो क्यों हो रहा है। तो गुरु जी, आप मुझे पहले ये बताएं कि 60 सफल ज्योतिष सम्मेलन कराने के बाद आप महापुराण सम्मेलन ही क्यों करा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर प्रश्न आपने किया है। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को जय श्री राम। 60 ज्योतिष सम्मेलन कराने के बाद हमारे मन में आया कि पुराणों में ही तो सब कुछ है। पुराणों में वेद व्यास जी ने अमृत मंथन करके जो हमको दिया है, वो नवनीत करके जो दिया है, तो उसको समाज को दिया जाए। पुराणों को, वेदों को, धर्म ग्रंथों को, अरण्यक ग्रंथों को, ब्रह्मसूत्र को, आज सनातन पे लोग उंगली वो उठा रहे हैं जिनको मैं मूर्खानंद की उपाधि देता हूँ। वो महामूर्खानंद हैं जिनको मनुस्मृति का पता नहीं, पुराणों का पता नहीं, वेद वेदांत का पता नहीं, धर्म दर्शन का पता नहीं, हमारे षड़ दर्शन क्या हैं, हमारे शास्त्र क्या हैं, उपवेद क्या हैं, वेद क्या हैं। तो वो ऐसे लोगों को, समाज को जागृत करने के लिए हमने ज्योतिष के बाद पुराण सम्मेलन और जनवरी में हम करेंगे वेद विज्ञान महासम्मेलन। आप जैसे कि पुराण है, ये पुराण बहुत बाद में लिखे गए, पहले वेद आए, फिर उपनिषद, फिर उसके बाद शायद पुराण आया, ऐसे ही है कुछ। तो ये पुराण जैसे कि आप कैसे मानते हैं कि इतना ऑथेंटिक कैसे हो जाते हैं पुराण, जो कि अभी कुछ हजार साल पहले ही लिखे गए हैं। ये हमारी हर चीज ऑथेंटिक है, हमारी हर चीज ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त है। इसका एक एक सूत्र विज्ञान है, इसका एक एक सूत्र सच्चाई से भरा हुआ है। तो इन सूत्रों को अगर कोई पढ़ेगा तभी तो उसकी समझ में आएगा, जब नहीं पढ़ेगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा और कुछ भी बोलना प्रारंभ कर देगा। पहले पढ़ो, मथो, फिर आगे बढ़ो। जैसे कि धर्म का एक मजबूत और स्तंभ है, वो है सत्य। तो पुराण जो है सत्य मार्ग, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल, सत्य मार्ग है, समाज का चिंतन करते हैं, समाज को दिशा और दशा देते हैं। तो पुराणों को प्रत्येक परिवार को 18 पुराणों को पढ़ना चाहिए, और 18 भी ना पढ़ पाए तो एक पुराण, शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है, विष्णु पुराण है, हरिवंश पुराण है, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, इन पुराणों में से किसी एक का भी अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि आप ये महासम्मेलन करा रहे हैं, तो महासम्मेलन के नाम पे बहुत दूर दूर से लोग आए, तो आप मुख्यतः किन किन का नाम लेना चाहेंगे जो कि विशेष अतिथि और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पधार रहे हैं? हमारे बीच हैं आचार्य अनिल बस्त जी, ये दिल्ली से आए, बहुत ही विद्वान आदमी हैं, पिछले 60 वर्षों से ज्योतिष धर्म का, अध्यात्म का परचम पूरे विश्व में फैला रहे हैं। और हमारे बीच डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी हैं, उड़ीसा से आए हैं, और डॉक्टर लेखराज शर्मा जी हैं, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी हैं, डॉक्टर विनायक जी हैं जो पिछले 60 सालों से वो भी निरंतर ज्योतिष का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे विद्वान हमारे बीच हैं जो आज नई दिशा और चिंतन करेंगे। एक विषय अभी चल रहा है बहुत जोरों पे है, जो कि एक स्टालिन है जो मुख्यमंत्री का पुत्र है, जो जिनको विरासत में सत्ता मिली है, वो सनातन धर्म को समाप्त करने के सपना देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन धर्म को जड़ से समाप्त हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसे लोगों को आप लोग जो है इस महासम्मेलन में जो है ऑफेंड करेंगे, यानी उनके प्रतिकार में, प्रतिशोध में, कभी आप कुछ भी जो है कुछ कहना करना चाहेंगे? हमारे यहाँ धर्मगुरु भी आ रहे हैं, अभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आएंगे, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आ रहे हैं, तो बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, और जो 10 सालों से 15 सालों से ज्योतिष कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी डिग्री ली हुई है, वो भी आ रहे हैं। तो स्टेलन जैसे बिच्छू, मच्छर, इंच की बात ही मत करो आप, ये हैं ही क्या? जैसे रावण के दरबार में कुछ दरबारी होते थे ना, ये वो दरबारी हैं जो हिंदू धर्म पे उंगली उठाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है हम क्यों जी रहे हैं, गधे की तरह जी रहे हो, उनको कुछ पता नहीं। उनको जीवन में न सत्य का, न धर्म का, न शुद्ध आचरण का, न पवित्रता का कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसे मूर्खों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास आर्यभट्ट है, उनके पास क्या है? हमारे पास शंकराचार्य जी हैं, उनके पास क्या है? हमारे पास वेद वेदांत धर्म दर्शन, उनके पास क्या है? अरे वो बोध ध्यान पढ़ा है क्या स्टालिन ने? पढ़ के दिखाया जरा मेरे सामने, बोध ध्यान पढ़ा है उसने? उसको बोध धर्म का कोई जानकारी नहीं, एक मंत्र नहीं बोल सकता वो बोध धर्म का कोई भी। तो ये मूर्खानंद है, इनके बारे में कुछ चिंता ही नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जैसे कि मोदी सरकार को एक सनातनवादी, धर्मवादी, हिंदूवादी सरकार के तौर पर देखा जाता है, और पूरे विश्व में जो है कि मोदी जी के द्वारा जो है सनातन धर्म के जो एक आत्म परिचय के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ जाते हैं वो एक छाप छोड़ के आते हैं सनातन धर्म की। तो क्या आपको लगता है जैसे आप लोगों का मकसद, ध्येय जो है सनातन धर्म का,
उद्धार मतलब सनातन धर्म को पूरी दुनिया में स्थापित करना, तो इसमें मोदी जी का की उपयोगिता कितनी है आपके लिए? राजा की जैसे राजा वैसे प्रजा, राजा की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। जैसे प्रभु श्री राम राजा थे तो उनका आचरण सारी जनता करती थी, उसी प्रकार मोदी जी सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं धर्म आचरण कर रहे हैं। जो लिखा हुआ है राजा के लिए विधान ग्रंथों में, उस विधान के अनुसार धर्म आचरण कार्य कर रहे हैं और पूरे विश्व में धर्म का डंका बजा रहे हैं। तो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, धर्म और रक्षति रक्षता। जैसे धर्म के नाम पर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनना संभव है? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें बनाने का क्या है, हम हिंदू राष्ट्र है, ये है ही हिंदू राष्ट्र। जैसे कि संविधान के तौर पे इसे घोषित कर दिया जाए, तो क्या इसमें क्या गैर धर्म वालों गैर मजहब वालों के लिए कोई कठिनाई है? किसी को कोई कठिनाई नहीं है। राम जहाँ राम राज होगा वहाँ तो बिच्छू का भी चींटी का भी सम्मान किया जाता है। हम तो चींटी को भी जिमाने का काम श्राद्धों में करते हैं, वैसे भी चींटी मर जाए तो हम शोक मनाते हैं चींटी भी। तो हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का नाद है, वासुदेव कुटुंबकम् का नाद है। कभी ये लोग ब्रह्म सूत्र पढ़ें तो इनके समझ में आएगा है क्या चीज़ ये। तो ये इन्होंने न ब्रह्म सूत्र पढ़े, न इन्होंने संस्कृत पढ़ी, न वेद वेदांत पढ़े, न धर्म दर्शन पढ़ा, न हमारे व्याकरण पढ़े, कुछ इनको आता जाता नहीं है। तो ऐसे लोग उंगली उठाते हैं। और मोदी तो अवतारी पुरुष हैं, तो मैं भाजपा का पक्ष रख रहा हूँ इसलिए नहीं, अभी राम मंदिर बन रहा है, अभी बहुत कुछ होने वाला है, तो 1000 साल के बाद भगवान कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से ही नेतृत्व होना है पूरे विश्व का, वो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे साथ हैं महेंद्र नाथ जी जो कि नेपाल से पधारे हैं। आप पधारे हैं नेपाल से? नेपाल से, मैं नेपाल से महेंद्र नाथ, डॉक्टर महेंद्र नाथ मुंदड़ा। और मेरा सबसे बड़ा ध्येय इस सम्मेलन में आने का है कि पुराण के बारे में जो डिस्कशन आजकल सुनने को नहीं मिलते, तो इसके वजह से इसमें सम्मिलित होकर कुछ ज्ञान मिले। पुराण से संबंधित आपके वेद हैं या फिर उपनिषद वगैरह सबकी व्याख्या होगी इसमें? पुराण का भी, पहले उपनिषद का भी नहीं होना, सिर्फ पुराण का होना है। जैसे आप स्पेशली नारद पुराण के ऊपर में विवेचना होनी है, नारद पुराण के ऊपर में। जैसे आप नेपाल से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो इसको इतनी दूर आने के पीछे आपका इतना ऐसा क्या? पवित्र भूमि सबसे बड़ी बात तो ये। अच्छा, पवित्र देवभूमि आए हैं और उसके बाद में फिर ये पुराण का सम्मेलन हर जगह हो नहीं पाता है, करते नहीं है कोई भी, तो उस हिसाब से गुरुजी ने किया तो फिर पता चला तो इनविटेशन। नेपाल में जो ये पुराण की जो आप जो अध्ययन वगैरह जो है नेपाल में आप करते हैं? नेपाल में पढ़ता हूँ मैं। पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? मैं अपने ऑफिस में ही पढ़ता हूँ। अध्ययन करते हैं, स्वतः अध्ययन करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। ये हमारे साथ चंडीगढ़ से पधारी हुई सुधा मेहता जी हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप पधारे हैं कि आपका जो है आने का मकसद क्या है? जैसे कि आप इतनी दूर पधारे हैं, आपको निमंत्रण मिला होगा जरूर, तो आप यहाँ आए हैं, तो इसका मकसद क्या है? सबसे पहले मकसद तो पंडित सेमवाल जी को बधाई देने का ही है कि इतने बड़े स्केल के ऊपर वो इस शिव पुराण को लेकर और पुराणों के महत्व को लेकर के इतना बखान कर रहे हैं, लोगों को इसके लिए ज्ञान की चर्चा दे रहे हैं, और फेसबुक पे और जो भी उनके सोशल मीडिया रिलेटेड हैंडल्स हैं वहाँ पे सब प्रकार क्या वो ये चाहते हैं कि लोगों को सच में पता हो हिंदू धर्म का महत्व क्या है, सनातन धर्म का महत्व क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, पुराणों से हमें क्या संस्कार मिलते हैं, हम जो अपनी हिंदू पद्धति में आज ही वैदिक प्रचार को लेके या दूसरे धार्मिक चर्चाओं को लेके इतना प्रसिद्ध हो रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जी के अनुसार हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो विश्व गुरु बने और ऐसे ही जो आप कह लो कि संसार के इस पटल पे सबसे आगे आए, तो इन चीज़ों के लिए ये जो महानुभाव हमारे बीच बैठे हैं इनका सबसे बड़ा योगदान समझती हूँ, ताकि ये आने वाली युवा पीढ़ी को हमें सबको ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि हमें अपने संस्कारों का पता हो, हमें अपनी पद्धति का पता हो, और इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें अगर हम आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो शायद ये चीज़ें लुप्त हो जाएंगी। जैसे तो आप इस क्षेत्र में लगे होंगे पुराने टाइम में, तो आप चंडीगढ़ में रह के क्या काम करते हैं इस विषय में? मैं चंडीगढ़ में वैदिक पद्धति से रिलेटेड हूँ और इसके अलावा टैरो रीडिंग का भी प्रचार करती हूँ, और बाकी जितनी भी इसके रिलेटेड मोडेलिटीज़ हैं उसके अनुसार भी अपने आप को वैसे तो उसका स्टूडेंट ही समझती हूँ, क्योंकि इस ज्ञान का शायद किसी प्रकार से कोई भी अंत नहीं है। जितना हम इन लोगों की शरण में बैठ के सीखते हैं तो सिर्फ एक बार अपना जो भी ज्ञान का कटोरा मैं समझती हूँ हमेशा खाली लेके जाना चाहिए, जो आता है भूल जाइए, नया ज्ञान हासिल कीजिए, उसको अपने वाले में सम्मिलित कीजिए और फिर आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और
इस पुराण महासम्मेलन के माध्यम से हम समाज को कुछ नई दिशा देंगे। उसको लक्ष्य इसलिए करते हैं कि हमारे देखने की सीमा उतनी है, अपना 1 लाख पूरा, फिर 1 लाख बात कीजिएगा तो एटम का क्या रहेगा, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो भारत में जो ऋषि की बात है, जो धागे के रूप में सूत्र के रूप में है, उनकी माप वही दी गई है जो कि आधुनिक विज्ञान में स्ट्रिंग थ्योरी में स्ट्रिंग की माप है। बालाकार शतसहस्रम तस्य भागं व्याख्या है, विज्ञान की किताब नहीं है, ज्ञान विद्यु की सब क्या है, तो मनुष्य के आकार को 7 बार 1-1 लाख भाग कर बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरी, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। दुबे शर्मन जी मेरे मित्र हैं, पिछले 30 वर्षों से निरंतर हम विभिन्न कार्यक्रमों को, पहले ये ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वर्तमान में संत समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो समाज वर्ग का उन्होंने बना रखा है, तो आपका अभिनंदन है, अमित शर्मा जी का अभिनंदन है, जो माँ दुर्गा के उपासक हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच मेरे मित्र नारंग जी बता रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है, सहारनपुर से मुझे जन्मदिन पर बधाई देने आए हैं। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड, पति पावनी माता भागवती के तट पे राज भक्तों की, देश भक्तों की ये धरती, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जिसमें अखिल भारतीय पुराण सम्मेलन एवं विद्वत सम्मान सम्मेलन हमारे इस आयोजन के जनक आचार्य पंडित रमेश सेमाल जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, इस शुभ अवसर पर यहाँ पे पधारे हमारे पंच दशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर, मेरे गुरु भ्राता परम पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद गिरिजी महाराज एवं मंच पे सभी विद्वजन
यहाँ पे आए हुए सभी महानुभाव भगवत प्रेमी मातृशक्ति एवं सभी मीडिया के बंधु, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बहुत बार से फिर यहाँ पे आया, शमशान से लकड़ी और गुरु भाई को ठंडे में अग्नि साक्षी भी हैं। तो मैं विद्वानों का प्रार्थना करते हुए, सभी संतों को प्रणाम करते हुए, सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निराम। पवित्र नगरी रोटी को प्रणाम करता हूँ, जहाँ कभी कृष्ण उतर पाए भगवान वेदव्यास अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचने से पहले जहाँ विश्राम किया था वो यहीं से मिले। उन्होंने ही पुराणों की जो आधुनिक संरचना है कि एक वेद था उसको चार वेदों में विभाजित किया, पुराणों को 18 पुराणों में विभाजित किया, उपनिषदों को कितनी 108 संख्या में विभाजित किया, और महत्वपूर्ण जो हमारा दर्शन है वेदांत ब्रह्म सूत्र उससे वो प्रणेता हुए।